लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा फ्रैंकलिन का भाई फ्रैंकी थंडरबोल्ट की शक्तियों से गांव के अंदर जो भी टाइटंस हमला कर रहे थे उसकी पूरी सेना को रोकने की पूरी कोशिश करता है, और दूसरी तरफ यूनिवर्सल पुलिस फ्रैंकलिन और शिनचैन को टेलीपोर्ट करवाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पे आ जाता है गॉड ऑफ ड्रीम्स। दोनों के बीच में बहुत ही बड़ी पावर की जंग होती है, लेकिन उसमें फ्रैंकलिन और शिनचैन चौप सारे के सारे टेलीपोर्ट हो जाते हैं अपने पास्ट में। वो सब लोग मिलिट्री के बेस के अंदर जाके स्पेसशिप को चुरा के के ऊपर निकलते। वहाँ पे जाने के बाद उन्हें अपनी पहली लैंटर्न सिटी मिलती है, जहाँ पे फ्रैंकलिन को ग्रीन लैंटर्न की पावर लैंटर्न से मिली थी। वो फ्रैंकलिन से बात करके थोड़ी पावर्स की रिक्वेस्ट करता है, और दूसरा फ्रैंकलिन वो रिक्वेस्ट को मान जाता है। तभी वहाँ पे शिनचैन और चौप खतरे में आ जाते हैं, सारे के सारे पैरेलेक्स के सामने पहुँच जाते हैं। उस टाइम पे हल्का उस लोकेशन के ऊपर होना चाहिए, इसकी वजह से वो लोग फंस गए। अब आगे गाइस, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने सारे के सारे टाइटंस को हरा दिया। आप सब लोग आ गए, यहाँ पे तो शाम हो गई है, अब मैं क्या करूँ। लेकिन मेरा भाई लगता है पास्ट में चला गया है, और आई होप वो अच्छे से टाइम ट्रेवल कर पाए, क्योंकि वो अगर सारी की सारी पावर्स को इकट्ठा करके यहाँ पे नहीं आता अपने नए वर्जन के साथ, अब तक गाइस हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम अपने शहर को नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि मुझे एक अभी बात पता चली है, ये जो टाइटंस है ना, इन लोगों को जितना मारोगे वो मरते नहीं है, वो अपने आप जिंदा होते हैं। समझ में नहीं आ रहा, अब मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से जल्दी शहर की तरफ निकलना पड़ेगा। शहर में भी टाइटंस है और उन लोगों को मेरी बहुत ही आवश्यकता है, लेकिन अब मैं कैसे जाऊँगा। हेलो, कोई हेल्प करेगा? वेट अ सेकंड, मैं अपनी पावर से कुछ क्रिएट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी लाइटर्स की दूसरी प्रजाति की शक्तियाँ है, यानी थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट की शक्तियों से मैं अपनी पावर्स के हेल्प से यहाँ पे बना रहा हूँ एक खतरनाक सी व्हीकल। ओ वाओ, ये तो एक बुगाटी है, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी जल्दी चलते, इससे मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन मुझे डर इस बात का है गाइस, अगर मेरा भाई फ्रैंकलिन सारे के सारे टाइम ट्रेवल करने के बाद वो पावर्स हासिल करने में असफल हो गया तो बहुत ही बड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो जो पावर्स है वो बहुत मुश्किल से मिलेगी। आई नो वो पावर्स अपने आप से उसको लेनी है, यानी दूसरे टाइमलाइन का फ्रैंकलिन ही उसको देने वाला है। लेकिन सोचो ना, अगर यहाँ पे अभी कोई आएगा और बोलेगा मैं फ्रैंक यू थंडरबोल्ट वाला वो फ्यूचर से आया हूँ, मुझे तुम्हारी थंडरबोल्ट की पावर दो, क्या मैं दूंगा? नहीं दूंगा ना, क्योंकि मैं उसके ऊपर ट्रस्ट कैसे करूंगा। वही तो दिक्कत है, फ्रैंकलिन अपने दूसरे वाले फ्रैंकलिन को भरोसा दिलाने में सफल हो गया, तो सोचो उसको कितनी पावर्स मिलेगी। टीम फोर लाइटनिंग की पावर्स तो उसके सामने कुछ भी नहीं होगी, 1% भी नहीं होगी। तो यार मुझे जल्दी जल्दी शहर की तरफ जाना पड़ेगा, आई होप शहर में कुछ तबाही ना हुई होगी। अगर मेरी पावर्स रिसेट हो जाती तो मैं फटाक से उड़ के चले जाता, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे भी रेस्ट करना पड़ता है, सुपर हीरो हूँ। तो क्या हुआ गाइस, मुझे तो पावर्स की जरूरत ही पड़ती है। आप लोग मेरे साथ हो या नहीं हो, मुझे एक बात का डर लग रहा है गाइस, क्या मेरा भाई वो पावर्स को हासिल करेगा? मैं थक गया हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। ओह माय गॉड, क्या व्यू आ रहा है, इसे बोलते हैं ना सच्चा स्वर्ग। आपको भी गाइस ये वाला व्यू कैसा लगा नीचे कमेंट के अंदर जरूर बताना, और आप लोग ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर दो, हम लोगों को 1 मिलियन तक जाना है, आई होप आप करवा दोगे। हम लोग रुक नहीं सकते गाइस, हम लोगों को शहर में टाइटंस को रोकना ही पड़ेगा। बच गया, मैं आ रहा हूँ टाइटंस, तुम्हारा पंगा फ्रैंकलिन के भाई फ्रैंकी से पड़ा है, जो की थंडरबोल्ट की पावर्स को ऑन करता है, और मेरा अपग्रेडेड वर्जन तुमने देखा नहीं है, मैं कॉपी आर्ट को भी तक यूज नहीं किया, मैंने अपनी ट्रू पावर्स को भी अनलॉक नहीं किया है। अगर मैंने वो पावर्स को अनलॉक कर दिया तो भी कोई फायदा नहीं गाइस, मैंने अभी आपको कहा था कि वो रीजनरेट हो पाते हैं, अपने आप की जीन्स को वो डुप्लीकेट कर पाते हैं, इसी के कारण मैं वहाँ से भाग गया हूँ, क्योंकि क्या पता वो वहाँ पे आ जाए। इसका मतलब मैं 50% जीता हूँ और 50% हारा हूँ। अगर वो वहाँ पे आते हैं और मासूम गाँव को तंग करते तो मैं उसमें फेल हो गया, मैं ये जंग हार गया। अगर वो नहीं आते तो अच्छा हुआ मैं उन लोगों को मार दिया। चलो चलते हैं शहर, मैं आ रहा हूँ, लेट्स गो। भाग गया, क्या बोला था मैंने, ये डरपोक है गॉड ऑफ ड्रीम। कोई बात नहीं, तुम लोग मुझे मारने आए हो टाइटंस, यहाँ पे रात हो गई है, इसका मतलब पता है फ्रैंकलिन पहुँच चुका होगा, आई होप वो ठीक है। कोई बात नहीं, तुम्हारे शहर को बचाने के लिए कोई हीरोज नहीं है, तो मैं इन सब की रखवाली करूंगा। ये लो, मुझसे बच कर रहना, मैं एक यूनिवर्सल पुलिस हूँ, समझ में आ रहा है? ये ले।
कोई नहीं बचेगा। लेकिन एक दिक्कत है, ये टाइटन्स को जितना मारोगे उतना ये अपने आप को रीहील करेंगे। मुझे इनके बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए इनको मैं अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहता। येलो फ्रैंकलिन, आई होप तुम अपने आप को मनाने में सफल हो जाओगे। सारे के सारे टाइटन्स तुम मरोगे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं, मेरी पावर्स, शिट, नहीं, मेरी पावर्स डाउनग्रेड हो गई, कम हो गई। कोई बात नहीं, फिर भी मैं इन लोगों को हरा सकता हूँ। तुम लोग ऐसे नहीं मारोगे। आ जाओ, तुम्हें पता है यूनिवर्सल पुलिस बहुत ताकतवर होती है। तुम लोगों ने शहर को बर्बाद कर दिया। यहाँ पे बहुत सारे हीरोज थे, सबका नामो निशान मिटा दिया तुम लोगों ने। हम लोग अब ऐसे हार नहीं मान सकते। आ जाओ, आ जाओ। जब पता चला इनके सर के ऊपर हमला करने से ये रीजनरेट नहीं हो पाते, बहुत बढ़िया, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से। तुम लोग फिर से रीजनरेट नहीं हो सकते बेवकूफो। ये ले। इनकी कमजोरी मिल गई, इनके गर्दन के ऊपर हमला करने से ये मर जाते। तुम मरोगे। कहाँ पे जा रहे हो? खाना, खाना। तुम्हें खाना चाहिए तो आ जाओ, ये लो खाना। आई होप फ्रैंकलिन तुम ठीक हो। और हाँ, अपनी पावर्स को जरूर हासिल करना, और वो 10 टैबलेट मैंने तुम्हें दी है वो खतरे के लिए, खतरा आने पे उसे यूज करो। यार ये क्या हो गया? वहाँ पे तो वो यूनिवर्सल पुलिस वो लड़ रहा है, और मैं यहाँ पे खड़ा होके क्या कर रहा हूँ गाइस? फ्रैंकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तो और इस शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई हीरोज नहीं है, मेरे भाई फ्रैंकलिन ने उन्हें मार दिया। वेट अ सेकंड गाइस, हम लोग 100 बोल की पावर से सारे एवेंजर्स को और सारे लैंटर्स को जिंदा कर सकते हैं क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे भाई ने तो अब तक बहुत से लोगों को जिंदा किया है, और अब मेरे पास भी उसकी पावर से। इसका मतलब फ्रैंकलिन की बॉडी भले नहीं है यहाँ पे, लेकिन फ्रैंकलिन की शक्ति है। आई होप मैं उन शक्तियों की मदद से एवेंजर्स को जिंदा कर पाऊंगा। फ्रैंकलिन, ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। हम इन टाइटंस को ज्यादा नहीं रोक सकते। तब तक मैं अपने हीरोज को बुलाता हूँ। इट्स टाइम टू बैक एवेंजर्स, तुम्हें मैं जिंदा करूंगा अपनी शक्तियों से। उसके लिए भले मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। थंडरबोल्ट की पावर्स रहे या ना रहे, लेकिन अब फ्रैंकलिन की जीत के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा मेरे भाई। It's time to powers! सारी की सारी मेरे भाई की शक्तियाँ, आ जाओ। कॉपिया ट्रू पावर, सारी शक्तियाँ मेरे पास आ जाओ। अब मैं एवेंजर्स को जिंदा करके रहूंगा। सारे एवेंजर्स, मैं तुम्हें फिर से रीजनरेट कर रहा हूँ। ये आइडिया मुझे टाइटन से मिला है। टाइटन, मुझे पता है तुम अपने आप को कैसे रीजनरेट करती हो, खत्म कैसे करना है तुम लोगों को ये मुझे नहीं पता, और इसी ट्रिक से मैं अपने एवेंजर्स को रीहील करूंगा। शुक्रिया टाइटन, तुम्हारी वजह से तुम्हारा सामना करने के लिए नए हीरोज आ रहे हैं। मुझे उनकी शक्तियों को कन्वर्ट करना है रिहिल में। उसके लिए मुझे आप सब की आवश्यकता है। आप सब लोग जल्दी सब्सक्राइब करके हम लोगों से जुड़ जाइए। हमें पावर्स की सख्त जरूरत है। एवेंजर्स, फ्रैंकी, ये क्या हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? एक काम करता हूँ, थंडरबोल्ट और फ्रैंकलिन की कॉपी आर्ट और ट्रू पावर्स को एक करके फिर कोशिश करता हूँ। चलो 3-2-1। ये क्या है? एवेंजर्स, एवेंजर्स, तुम लोग ठीक तो? मेरी पावर्स। सही कहा, हमें बचाने के लिए शुक्रिया फ्रैंकी, हम तुम्हारा एहसान मंद रहेंगे। फ्रैंकी द थंडरबोल्ट, तुम बहुत ओपी हो, हमें जिंदा करके तुमने इस शहर को मुसीबत से बचा ही लिया। सही कहा, हमें लगा हम लोग मर गए। डार्क एवेंजर्स, एवेंजर्स के साथ मिलके इसका अंत करेंगे। इससे मैं एवेंजर्स टीम का लीडर टोनी स्टार्क सहमत है। फ्रैंकी, अब क्या करें? सबसे पहले हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और टाइटंस को रोकना पड़ेगा। क्या कहा? टाइटंस आए हैं यहाँ पे कैसे? मुझे नहीं पता किसने भेजे, लगता है गॉड ऑफ ड्रीम्स का काम है, लेकिन हमें उनकी कमजोरी नहीं पता। मुझे पता है, मेरी बात सुनो। क्या तुम यहाँ पे कैसे? अल्ले तल्ली, अब ये कौन है? स्पाइडरमैन, मैं हूँ यूनिवर्सल पुलिस। अल्ले यार, इसको तो मेरा नाम भी पता है। सही कहा, ये बहुत खतरनाक है। तुम हल्की हो ना, लगता है तुम ही उसकी हेल्प करोगे। क्या कह रहे हो? किसके बारे में? फ्रैंकलिन के बारे में।
मुसीबत में है ना वो पास्ट में, जान जाने वाली है उसकी, हर अब तुम्हें उसकी जान बचा सकती हो। क्या बोल रही हो, मैं तो यहाँ पे हूँ। अल्ले यार, यहाँ पे कहाँ पे फ्रैंकलिन, कहाँ पे चला गया है? ये बहुत लंबी कहानी है, तुम सबको बता देता हूँ। टाइटल्स को हराना है तो उनकी गर्दन के ऊपर मार, फिर वो अपने आप को रिजनरेट नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बढ़िया है, मैंने टाइटन को मारा था गर्दन के ऊपर, पूरा का पूरा दिन निकल गया। मैंने बस 10 मिनट में खत्म कर दिया उन्हें। क्या ये कैसे पॉसिबल है, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। सही कहा, मैं स्ट्रांग हूँ। चलो एवेंजर्स और डार्क एवेंजर्स, इट्स टाइम टू क्रिएट हिस्ट्री। हम आ रहे हैं। सही कहा, मेरे भाई के लिए। अरे बॉस, हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पे मैं अपने लेफ्ट हैंड से मिलने आया हूँ। अरे क्या कहा, वो कब आया यहाँ पे, मुझे कुछ बताया नहीं। वो देखो, वो रहा, आ गया मेरा लेफ्ट हैंड, अब ये अपनी ताकत बढ़ाएगा, इसलिए तुम चुप हो जाओ। अब मैं क्या बोलो, मेरे को तो कोई भाव नहीं देता। कोई बात नहीं, आ जाओ चलो लेफ्ट हैंड, क्या कर रहे हो? आ गया, मैं आ गया हूँ। आप कैसे हो? मुझे तो यार बहुत दिन बाद आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अरे ये क्या, ये तो पहले से ही बदसूरत दिख रहा है। तुम ज्यादा बोलो मत, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, फिर भी अब मेरे अंदर बहुत ताकत है। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी जल्दी बुलूंगा? शैडो कैसे हो? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। मास्टर, आपने इसको क्यों बुलाया? लगता है मास्टर को मेरी सख्त जरूरत है। मैं हूँ मास्टर है। तुम ज्यादा बोल रहे हो, मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। अपने टाइटन्स को पावरफुल करो, हमारी सेना कमजोर हो रही है, उनके बीच में और ताकतवर टाइटन्स डाल दो। मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, फ्रैंकलिन मुझे रोकने क्यों नहीं आया? ओके, आप जैसा बोलोगे वैसा होगा। बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन पावर नहीं गई। अब टाइटन्स का मैं लीडर हूँ तो मैं क्या करूँगा? चलो टाइटन्स, ये टाइम आ गया है अपने आप को ताकतवर करने का। ये हुई ना बात, अब मेरी टीम पूरी हो गई, अब आएगा मजा। फ्रैंकलिन देखते तुम्हारी प्यारी यार कब तक बचेगी। गॉड ऑफ टाइटन्स बहुत ताकतवर है, डोंट अंडरएस्टिमेट मी और माय सेना। सही कहा, सेना अपग्रेड। अल्ले जल्दी, मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, अब मैं इन लोगों को तोलूंगा नहीं। अल्ले यूपल के ताई दे, ये ले है साले के साले टाइटन। अल्ले लेकिन ये अजीबोगरीब क्यों लग रहे हैं? अल्ले बाप ले बाप, ये तो कुछ नया है। अल्ले फ्रैंकी, ये नए टाइटन है। तुम सब लोग वहाँ से भागो। अल्ले मेरे को पता है इनकी गर्दन के ऊपर मार रहा है। ये ले, अल्ले मैंने गर्दन के ऊपर मार दिया एक को। ऑल ऑफ इट की बाली। अले इन लोगों को कुछ हो क्यों नहीं ला, मेरे को तमन नहीं आला। अले तेली टिकट देती। ये ले ओले बाप ले बाप, मैंने इसको मारा फिर भी कुछ नहीं होला। ये टाइटन तो कुछ दीपक को लिपे, ये गया फटका, ये तो पक्का वाला तेज नहीं, ये फिर से दा किया। कहते पर मैं भागो वहां से। अले जल्दी वही कर रहा हूं, ये टाइटन मर ही नहीं ले। ओ तेले की, ये कुछ नए टाइटन थे, भागो। क्या कर रही हो? एक काम करो गाइस, हम लोग बुरी तरीके से फंसे, ये हमारी तरफ ही देख रहा है, मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ, तुम दोनों यहाँ से निकल जाना। अरे नहीं, हम आपको छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते, प्लीज फ्रैंकल अंकल ऐसा मत करो। अरे मत करो प्लीज। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो पैरालेक्स। अरे अब क्या करोगे, अब तो हम लोग पूरे फंसे। तुम्हें जो करना है करो लेकिन मेरे दोस्तों से दूर रहो। सब लोग भागो, ये हमला कर रहा है, छुपो मेरे पीछे आ जाओ। ओ तेरी की, ये क्या है? और ये आ गया, देखो कौन आ गया, तुम यहाँ पे कैसे? ये क्या, मैं कंफ्यूज हूँ। तुम कंफ्यूज हो या ना हो लेकिन तुम मेरे पास्ट को हाथ नहीं लगा सकते। अबे बेवकूफ, फ्यूचर। हाँ वही वही वही, मेरे फ्यूचर को तुम हाथ नहीं लगा सकते पैरालेक्स। अरे ऐसा मत करो, टाइम को छेड़ो मत। नहीं फ्रैंकलिन, टाइम छेड़ा नहीं गया है, तुम्हें पता है हल्क को इसने कब का निपटा दिया है। ओ तेरी की, मतलब इसकी और हल्क की फाइट हो गई है? अरे हाँ हो गई है। अरे तू यहाँ पे कौन था, कौन होना चाहिए यहाँ पे? आयरन मैन? नहीं तुम भूल गए, मैं ही तो था यहाँ पे, इसको पहला पंच मारा मैं है। अरे अब याद आ गया, बाकी की लड़ाई बात किए, मैंने ही इसको पहला पंच मारा था, लैंटर्न में से किसी ने इसको हाथ भी नहीं लगाया था। तो चलो अब इसका काम तमाम करते हैं फ्यूचर के फ्रैंकलिन, मैं ही मारूंगा इसको पहला पंच, मैं हूँ ग्रीन लैंटर। ये क्या, कैसे? ओ तेरी की, इसने
मैंने तो क्या बेल दिया है उसको। फ्रैंकलिन जल्दी करो, मेरी पावर्स ले लो और निकलो यहाँ से। तुम्हें पता है इसके आगे क्या हुआ है? हाँ मुझे पता है, हमारी लड़ाई हुई है तो मैं इसके साथ लड़ाई कर रहा हूँ। मैं तुम्हें पावर्स दे रहा हूँ, ये लो फ्रैंकलिन। अरे क्या हो रहा फ्रैंकल अंकल? अरे इनमें से असली फ्रैंकलिन कौन है? मैं हूँ बेवकूफा, मैं हूँ। शुक्रिया फ्रैंकलिन द ग्रीन लैंटर्न तुम्हारी थोड़ी पावर्स देने के लिए। मैंने तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट किया है, मेरे फ्यूचर को बचाना। सही कहा, मैं बचाऊंगा और तुम इस टाइमलाइन को हिलने मत देना। तुम्हें पता ही है ना टाइमलाइन के बारे में? हाँ मुझे पता है, जल्दी करो। थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन कैसे जाए? मुझे याद नहीं है कैसे जाना है। तुम लोग जल्दी करो, टाइम बहुत कम है, ये उठता ही होगा। चलो ओके, मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ। मुझे बस उन यादों को याद करना है। इसके बाद मैं क्या बना था फ्रेशिंग चेन? और आपकी बहुत ही बड़ी बड़ी लड़ाई हुई थी और उसके बाद आप इजिप्ट भी गए थे, याद है? हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। तो चलो टेलीपोर्टेशन स्टार्टेड। और ये क्या हो रहा है? अरे ये फिर से वही रोशनी। बाय बाय फ्रैंकलिन, मैं फ्यूचर को जरूर बचाऊंगा। अब बहुत हो गया, मैं इसको छोड़ने वाला। आजा आजा पैरालेक्स गाइस, हम सबको 3 लाख सब्सक्राइबर अचीव करने हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करो। आप लोग हंस क्यों रहे हो? क्या 3 लाख कब के हो गए? मुझे याद क्यों नहीं है? लेकिन मेरे यहाँ पे तो 3 लाख हुए सब्सक्राइबर। ओ मतलब फ्यूचर में मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं। गाइस कितने बढ़े मुझे कमेंट के अंदर बताओ, प्लीज 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 यार प्लीज बताओ। आप इतने नॉटी हो क्यों, आप बता ही नहीं रहे। गाइस कुछ कुछ लोग तो बोल रहे हैं फ्यूचर में ही पता चलेगा। कोई बात नहीं, अभी के लिए तो इस टाइम लाइन में मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर है, फ्यूचर में मेरे को नहीं पता कितने होंगे। तब तक पैरालेक्स आजा। ये क्या हो रहा है गाइस? शिट 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 शिट, लगता है मैं टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। गाइस हम लोगों के 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जल्दी सब लोग सब्सक्राइब करो। अरे हां वही तो सब्सक्राइब है नहीं। ये क्या हो रहा है, मेरी स्पीड बढ़ गई फ्रैंकल अंकल? नहीं फिर से नहीं।